गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो म्यूटेशन का तीन पार्ट हमने पढ़ाया, म्यूटेशन का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। आज म्यूटेशन का चौथा पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो म्यूटेशन दो प्रकार का हुआ, म्यूटेशन दो प्रकार का हुआ। तो दोनों प्रकार का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का भाग चल रहा है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो प्रकार का, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर का दोनों भाग हमने तीसरा पार्ट में पढ़ा दिया, और चौथा पार्ट में पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम, गुणसूत्री रचना में परिवर्तन, इसका हिंदी हुआ गुणसूत्री रचना में परिवर्तन। दिमाग दौड़ाइए, इसका लिटरेचर निकल जाएगा, परिभाषा एकदम निकल जाएगा, स्पष्ट परिभाषा है। स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम, गुणसूत्री रचना में परिवर्तन। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन की क्रिया होती है, उसी क्रिया को स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम कहते हैं। तो समझिए, यह स्ट्रक्चर चेंज है। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में रचना, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन की क्रिया, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन की क्रिया होती है, तो उसे स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम कहते हैं। बराबर लिख रहे हैं, जब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन की क्रिया होती है, तो उसे स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम कहते हैं। अब स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम भी कितने प्रकार का? चार प्रकार का। अब स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम भी चार प्रकार का होता है। तो देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम। अब
स्ट्रक्चर चेंजिंग क्रोमोसोम कितने प्रकार का हुआ? चार प्रकार का। नक्शा तो सब बता दिया, एक एक चीज लिखाते जा रहे हैं। तो पहला क्या है? डिलीशन। पहला डिलीशन, इसी का दूसरा नाम डिफिशियंसी। डिफिशियंसी इसका हिंदी तो हम नक्शा में बता ही दिए हैं, इसका हिंदी नक्शा में बता दिए हैं, दूसरा पार्ट में हिंदी बता दिए हैं, इसलिए आज हम बार बार हिंदी नहीं दिखाएंगे, अब वहां से निकाल के देख लेंगे, ध्यान से सुनना है और समझना है। इसमें फिगर है इसलिए ध्यान से देखना है और समझना है। डिलीशन या डिफिशियंसी ध्यान से सुने, विलोपन इसका हिंदी होता है विलोपन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिटरेचर नहीं बोलेंगे, आप पहले फिगर देखें, अब फिगर देखने के बाद आप स्वयं इसका लिटरेचर निकाल देंगे। फिगर यहाँ देखें, ये चारों पार्ट में फिगर है, और फिगर गौर से देखें एकदम फिगर, ध्यान दें। यह हुआ सेंट्रोमियर, देखते जाएं ध्यान से, यह हुआ सेंट्रोमियर, ठीक। यह क्या हुआ, इसे बार बार नहीं लिखेंगे हर फिगर में, समझते जाएं। यह हुआ क्रोमोसोम, यह क्या हो गया क्रोमोसोम, गौर से देखें। ए सबका नाम इंडिकेट करेंगे, बी सी डी, अब यहां देखें ई एफ जी एच। क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। इसको क्या कहा जाता है? जीन। सब तोड़ तोड़ के लिख दिए, अब यहां गौर से देखें, अब यहां गौर से देखें फिगर को और स्वयं इसका लिटरेचर निकालें। अब दिमाग हिट कर गया होगा, अब दिमाग में तो आ जाना चाहिए बात। क्या दिमाग हिट किया? यहाँ जीन की संख्या देखिए ई एफ जी एच है, यहाँ क्या हो गया? ई एफ जी एच, जीन क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी दिमाग हिट कर गया कि जब क्रोमोसोम का कोई भी भाग टूट जाता है तो उसमें जीन की संख्या में क्या हो गया? वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? कमी हुआ तो जीन की संख्या में कमी हो जाता है, उसी क्रिया को डिलीशन या डिफिशियंसी कहते हैं। पुनः एक बार सुने ध्यान से, जब क्रोमोसोम का यह भाग टूट जाता है तो इसमें जीन की संख्या में क्या हो गया? कमी हो गया, तो कमी होने की क्रिया को डिलीशन या डिफिशियंसी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया, अब इसका लिटरेचर लिखाएंगे। जब क्रोमोसोम का कोई भी भाग टूट जाता है
तो उसमें जीन की संख्या में कमी हो जाते हैं तो उसे डिलीशन या डिफिशिएंसी कहते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम फिगर बना के समझा के आपको लिखाते, आप स्वयं लिखते, गौर कीजिए। ऑनलाइन में क्या हो रहा है, सारा चीज समझा रहे हैं और स्वयं हमको लिखना भी पड़ रहा है। तो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में काफी ज्यादा मेहनत है, तनी मनी में काफी ज्यादा मेहनत है। इसलिए हमारे स्टूडेंट इसको गौर से समझें, हमारी मेहनत को आप समझें। और यह क्लास में दोबारा हम नहीं लेंगे, इसलिए इसको YouTube चैनल निकाल के आप इसका स्टडी करें। उम्मीद है, हमको 100% विश्वास है, इतना तोड़ के समझाने के बाद किसी भी स्टूडेंट को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस किसी को बट लग गया तो फिर तो हम हैं ही, फिर हम समझाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत हमको लगता नहीं आएगा। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं, जब क्रोमोसोम का कोई भी भाग टूट जाता है तो उसमें जीन की संख्या में कमी हो जाते हैं तो उसे डिलीशन या डिफिशिएंसी कहते हैं। उम्मीद समझ गए। अब आगे डिलीशन के बाद डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का हिंदी होता है द्विगुणन। द्विगुणन का मतलब क्या हुआ, दो बार वृद्धि होना। हिंदी भी गौर कीजिए, लिटरेचर बनेगा। द्विगुणन का मतलब दो बार वृद्धि होना। फिगर देखें, गौर से देखें। A, B, C, D, E, F, G, S, ये सब क्या है तो मालूम है, ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम जीन की संख्या है। अब देखें आगे क्या होता है। A, B, C, यहाँ गौर करें, पॉइंट यहाँ गौर करें, अब यही पा रहे हैं बात को। ई एफ जी एच, क्या गौर किए, क्या दिमाग हिट किया। ई एफ जीन की संख्या में कितने बार वृद्धि हुआ, दो, या दो बार वृद्धि हुआ। ई एफ कितने बार आया, दो बार। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। जब क्रोमोसोम की संख्या में जीन की मात्रा दो बार वृद्धि होता है, उसी क्रिया को डुप्लीकेशन कहते हैं। जब क्रोमोसोम में जीन की संख्या में दो बार वृद्धि होता है उसी क्रिया को डुप्लीकेशन कहते हैं। समझ गए, फिर एक बार सुनिए, और एक बार सुनिए। जब क्रोमोसोम में जीन की संख्या में दो बार वृद्धि होते हैं उसी क्रिया को डुप्लीकेशन कहते हैं। अब इसका लिटरेचर लिखाएंगे। जब
क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम की संख्या में जीन की संख्या में दो बार वृद्धि, जब क्रोमोसोम में जीन की संख्या में दो बार वृद्धि होते हैं कॉमा, तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम का चार भाग में हमने दो भाग पढ़ा दिया, डिलीट पहला डिलीशन या डिफिशियंसी, ए नंबर, बी नंबर डुप्लीकेशन बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इन्वर्सन और ट्रांसलोकेशन। समझ गए बात को? इतना रिवाइजिंग करें और अंत में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।